श्रीवास्तव अजमेरा और चलिए आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल 17 जून को सरायकेला में जिस चोरी के शक में ग्रामीणों ने बुरी तरह से पीटा था, उस विचाराधीन कैदी की जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में मौत हो गई है, लेकिन परिजनों ने उसे जीवित बताते हुए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया, जहां टाटा मुख्य अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजन शव को लेकर सरायकेला स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां परिजनों ने विचाराधीन कैदी को बेकसूर बताते हुए जमकर हंगामा किया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की है, जिसके बाद 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक कैदी बेकसूर था और जबरन उसे चोर के शक में ग्रामीणों ने बुरी तरह से पीट दिया था, जिससे उसे काफी गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौत हुई है। परिजनों ने मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तारी की भी मांग की है। घटना के वक्त यानी 17 जून को एक बाइक पर सवार 3 युवक जमशेदपुर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच धातकीडीह के पास ग्रामीणों ने रोककर चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से पुलिस ने 18 जून को तबरेज उर्फ सोनू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जहां उसकी तबियत बिगड़ने के बाद उसे सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की अब मांग रखी है। चोरी के शक में मॉब लिंचिंग की गई थी, इस बुरी तरह से पीटा गया था युवक को कि फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी था और इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस बुरी तरह से उसे पीटा गया था, जिसके चलते मौत हुई है और पीड़ित परिवार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। तो एक तरफ आप वीडियो देख रहे हैं जहां ग्रामीण उस शख्स की पिटाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ तबियत बिगड़ने के बाद शख्स की मौत हो गई है। अब परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल ला के भर्ती कराया गया था। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच करवाई, जहाँ से वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। सांस चल रहा है और सुबह हम लोग जब यहाँ 7:30 बजे पहुंचे तो हम लोग को मिलने नहीं दिया 1.5-2 घंटा तक। उसके बाद फिर बोला कि एक आदमी अंदर आके देख लीजिए और देखने भी नहीं दिया। डॉक्टर साहब बोले, नाम तो उनका पता नहीं, हम नाम पूछ के बताएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि ये डेड कर गया और नहीं रहे। लेकिन अभी हम लोग 2 घंटा के बाद देख रहे तो उनका सांस अभी भी चल रहा है, सांस अभी भी उसका चल रहा है और अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो जा रहा। और नहीं तो हम लोग को जल्दी से रेफर किया जाए यहाँ से, TMH हम लोग ले जाने के लिए रेडी है, तुरंत यहाँ से हम लोग का ऑर्डर दिया जाए, तुरंत रेफर करेंगे हम लोग। उस दिन रात में वो लोग मतलब धतकीडी गांव होते हुए जमशेदपुर जा रहा था, जाते वक्त रास्ते में कहीं पर चोरी हुआ था तो शक के आधार में इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसको मतलब रात भर पीटा गया, पूरा धतकीडी का आदमी 4 गांव का आदमी मिलके पोल में बांध के खूब पिटाई किया। उसमें जय श्री राम, जय हनुमान और सारा मजहब का मतलब बुलाया गया, जबरदस्ती मतलब ये करवाया गया। जेल प्रशासन ध्यान नहीं दिया उसका ट्रीटमेंट का, और जेलर भी ध्यान नहीं दिया, और जेल का जो डॉक्टर है वो भी ध्यान नहीं दिया। लास्ट में उसको जेल में कल रात में मृत्यु हो गई। सरायकेला में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। झारखंड विकास मोर्चे के महासचिव ने कहा है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस ने झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया, जबकि बीजेपी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और अगर मॉब लिंचिंग के द्वारा किसी की हत्या की गई है तो सरकार संज्ञान मिले और अविलंब उस पर कड़ी से कड़ी उन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस तरह की घटना झारखंड में लगातार थम नहीं रहा है, और इस तरह की घटना अगर फिर होता है तो ये सरकार की लापरवाही है। देखिए, सरकार नाम की अगर सच पूछिए तो कोई चीज नहीं है। सरकार का ना कोई शासन का इकबाल है, ना ही शासन कहीं से एक्टिव होकर के कोई काम करती है। मॉब लिंचिंग जब भी होती है तो निश्चित रूप से यह दुखद घटना होती है, और मॉब लिंचिंग अब किसी एक प्रकार की नहीं हो रही है, कई प्रकार की मॉब लिंचिंग हो रही है। रघुवर सरकार में इन चीजों पर पूरे तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति है।
इसमें जो लोग भी जिन लोगों की भी संलिप्तता है उन लोगों पे कार्रवाई होगी। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है और वीडियो से हम और शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। ये पूरा वाक्य ऐसा था कि चोरी की अफवाह उड़ी और इस युवक की पिटाई की गई और भीड़ ने चोर चोर कहकर इसे पीट दिया, लेकिन ये किसी तरीके से इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। और जी मीडिया संवाददाता पारस हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। पारस, आक्रोशित हैं परिजन, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मामले पर सियासत भी हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि उस शख्स ने अपनी जान गंवा दी है इस पूरे घटनाक्रम में। जी बिल्कुल जी, सरायकला की जो खरसावां की जो घटना है तो ये काफी दुखद घटना है, जो किसी का परिवार उजड़ा है। और इस घटना में जो अभी जो है सो जो वर्तमान जानकारी हमें मिली है वो जो है सो उनकी पत्नी जो है, मृतक की पत्नी जो है सो थाने में एफआईआर कराई है और उस एफआईआर के तहत जांच की जा रही है। एसपी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और जांच के दौरान जो है एक व्यक्ति का जो मॉब लिंचिंग का जो मामला है इसमें एक व्यक्ति की वर्तमान में गिरफ्तारी हुई है और एसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये जो वीडियो जो कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं जो बोला मानव का अधिकार का हनन होता है, वैसे शब्दों पर भी एसपी का कहना है कि ये वीडियो जो है डॉक्यूमेंट हो सकता है, हम लोग वीडियो की सत्यता की जांच कर रहे हैं और आगे की जैसे जैसे कार्रवाई होगी उसके बाद प्रशासन और हमें जानकारी देगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पारस जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल कार्रवाई की मांग जरूर की गई है परिवार से। सवाल यही उठता है कि इस तरह की मॉब लिंचिंग में कानून हाथ में लेना कहां तक सही है, लोग कैसे फैसला सुना सकते हैं किसी की। और जी मीडिया संवाददाता पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। पीयूष, जब शव वहां पहुंचा था तो डॉक्टर्स का क्या कहना था, पहले से मृत घोषित किया हुआ था डॉक्टर्स ने, क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर, क्योंकि परिजन काफी हताहत थे और ऐसी स्थिति में उनको समझ नहीं आ रहा था, लगातार वो रेफर करने की मांग कर रहे थे, जमशेदपुर रेफर किया गया था। देखिए साफ तौर पर सलोनी, जो जिला प्रशासन है उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात की है, सदर अस्पताल के जो डॉक्टर है जिनके लापरवाही से इसे मृत घोषित किया गया था, साथ ही साथ जो लोग इसमें संलिप्त है, पूरे मॉब लिंचिंग का ये जो मामला बताया जा रहा है इसमें जो भी संलिप्त है तो उसको लेके जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो डॉक्टर हो या लोग हो। तो पुलिस जो है अभी कई जगहों पे छापेमारी कर रही है, गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो डॉक्टर ने इतनी बड़ी भूल की थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी सलोनी बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए पीयूष। तो अब कार्रवाई की बात जरूर कर रहा है प्रशासन, लेकिन पहले ये कार्रवाई नहीं की गई जिसके चलते एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी।